मैं पंकज चंद्राकर मेरे चैनल फिजियो एजुकेटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे आप मेरे ये फर्स्ट स्क्रीन को देख के समझ गए होंगे या नहीं समझे होंगे तो चलिए मैं बता देता हूं। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं द इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, IoT के बारे में। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो उस पर मैं बताया था कि ओ लेवल पे ये जो है मॉड्यूल नंबर 4 पे आता है और इसके अंदर में हम डिफरेंट टाइप के स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ईयरबड्स, स्मार्ट फैन, हमारे घर को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं, ये कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम द इंटरनेट ऑफ थिंग्स बुक को पढ़ के जान पाएंगे कि किस तरह से एक स्मार्ट डिवाइसेस वर्क करता है, क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्टेंट्स आपको बताऊंगा, बेसिक कॉन्टेंट जैसे कि हम इस IoT में कितने चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर पे हमको इस बुक पे टोटली पढ़ना क्या चीज है। तो चलिए इस पे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू IoT, जिसमें हम IoT के बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसका फिर दूसरा है थिंग्स एंड कनेक्शंस, क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है और किस तरह से इसमें कनेक्शंस का जरूरत पड़ता है। तीसरा चीजों में हम पढ़ेंगे सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। फिर नेक्स्ट हम चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस किस तरह से बनाया जाता है। चौथा चैप्टर पे हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एंड फ्यूचर्स IoT इकोसिस्टम और नेक्स्ट चैप्टर पे हम पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें किस तरह से आप सॉफ्ट स्किल का इंप्रूवमेंट करके अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट का देखते हैं कि चैप्टर इंट्रोडक्शन टू IoT में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि IoT क्या चीज होता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर पढ़ेंगे कि IoT के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सा इसका एप्लीकेशंस हैं। फिर पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ IoT की, IoT का क्या क्या कंपोनेंट है। फिर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। प्रोटोकॉल्स यानी सेट ऑफ रूल, एक इंटरनेट को प्रॉपर चलाने के लिए या कोई भी डिवाइसेस को प्रॉपर चलाने के लिए बनाया हुआ रूल को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर नेक्स्ट पे पढ़ेंगे कि IoT एनेबल टेक्नोलॉजीज, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आप जानते होंगे स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ग्रीन हाउस, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT को बनाने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है। फिर इस पे हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स, कितने मॉडल्स के यूज करके हम IoT डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे डेवलपमेंट टूल्स यूज इन IoT को डेवलप करने के लिए किन किन टूल्स का हम यूज करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम इस पे SDN एंड NFV फॉर IoT, SDN और NFV क्या चीज होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल चैप्टर वन में हम इतना चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर टू में, इसका नाम है द थिंग्स एंड कनेक्शन, जिसमें पढ़ेंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के इस पे कंट्रोल सिस्टम होता है। फिर पढ़ेंगे फीडबैक सिस्टम क्या होता है। फिर पढ़ेंगे कनेक्टिविटी मॉडल्स क्या होते हैं, क्या क्या कनेक्टिविटी का मॉडल्स होता है इस पे हम। फिर दो मॉडल पढ़ेंगे, OSI मॉडल और एक जो है TCP/IP मॉडल, जिसपे OSI का 7 लेयर्स और TCP/IP मॉडल का 4 लेयर्स। टाइप्स ऑफ मोड में पढ़ेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन जो है कितने तरह से होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें 3 तरह से लिखा हुआ है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसमें फिर पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें 2 तरह का मीडिया पढ़ेंगे, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। जैसे गाइडेड मीडिया में वो मीडिया आएगा जो फिजिकली वायर से डाटा ट्रांसमिशन होगा, अनगाइडेड में थ्रू एयर से जो डाटा ट्रांसमिशन होगा, जैसे कि हमारे मोबाइल में होता है, जेंडर में होता है, टीवी के रिमोट्स में होते हैं या डिफरेंट सैटेलाइट पे जो होता है, ये अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में जो केबल्स या इसका डिटेल्स हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। फिर द प्रोसेस फ्लो ऑफ IoT को क्या प्रोसेस होता है डाटा ट्रांसमिशन रिसीव का। फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 3 नंबर के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंसर क्या होता है। IoT डिवाइसेस में सेंसर बहुत एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। सेंसर क्या होता है, कितने टाइप का सेंसर होता है उसको पढ़ेंगे। फिर एक्टुएटर क्या होता है, एक्टुएटर एक्चुअली में कि एक्टुएटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट में माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। इन तीनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक स्मार्ट डिवाइसेस बनाने में। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इस पे एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सिस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फिर RISC क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फिर IPIC क्या होता है, इम्प्लिसिटी
पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग क्या चीजें होता है, इन सब के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और एक और पढ़ेंगे इस पे, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं चैप्टर 4, कि चैप्टर 4 में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। जस्ट मैं इस पे आप लोगों को ओवर भी बता रहा हूँ, इन सभी टॉपिक पे मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो कृपया इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट भी करके रख लीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो, आर्डिनो बोर्ड क्या होता है, आर्डिनो होता क्या है। फिर इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ आर्डिनो बोर्ड, आर्डिनो बोर्ड के कितने टाइप होते हैं, पार्ट्स ऑफ आर्डिनो आईडीई के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, राइटिंग एंड एडिटिंग कोड इन स्केच, स्केच में आपको इसे मतलब कोई भी कोडिंग कर पाएंगे उसको पढ़ेंगे, कंपाइलिंग एंड डिबगिंग पढ़ेंगे, अपलोडिंग एंड रनिंग ए फाइल पढ़ेंगे, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बिल्ड इन डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसपे स्कोप्स हैं, फिर इसके कमेंट्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट एंड लिटरल्स, लूप्स, एरेस, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, प्रोटोटाइप, पॉइंटर्स। फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 4 पे आपका इंटरफेसिंग सेंसर क्या होता है, इंटरप्ट क्या होता है, इंटरफेसिंग एलईडी क्या होता है, बटन क्या होते हैं, सेंसर डीएचटी क्या होता है, एलडीआर क्या होता है, MQ135 क्या होता है, आईआर क्या होता है, डिस्प्ले डाटा ऑन एलसीडी क्या होता है, इंटरफेसिंग साउंड सेंसर क्या होते हैं, इंटरफेसिंग कीपैड क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरफेसिंग रिले मॉड्यूल क्या होता है, इन सब के बारे में हम चैप्टर 4 पे पढ़ेंगे। चैप्टर 5 का अगर मैं बात करूं तो इस पे हम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का क्या जरूरत है आईओटी के लिए, आप तो जानते ही हैं सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका घर का हो या कोई भी चीजों का हो, बिना सिक्योरिटी के कोई भी वर्क करना बेवकूफी है। फिर नेक्स्ट पे हम इस पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, साइबर अटैक के कितने टाइप्स है, आईओटी एंड साइबर अटैक का क्या रिलेशन है, फिर प्राइवेसी क्या क्या है आईओटी डिवाइसेस के लिए, मेजर आईओटी लीक्स कहां पे होता है, फिर सिक्योरिटी फॉर कंज्यूमर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिंग आईओटी डिवाइसेस, फ्यूचर आईओटी डिवाइसेस, नीड ऑफ पावर कोर फॉर बिल्डिंग सिक्योर एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल ऑफ न्यू ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, एआई पेनिट्रेशन टू आईओटी। आप घबराइए नहीं, इसका सभी एक एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक टॉपिक यहाँ पे जो देख रहे हैं एक एक पॉइंट उसके लिए एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर 6 पे हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके अपने फील्ड पे अपना प्रॉपर इंप्रेशन जमा सकते हैं। फिर इस पे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, क्या क्या डिटरमिनेंट्स हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, एस्टीम, फिर एटीट्यूड, ये सब क्या चीजें हैं, क्या क्या डिटरमिनेंट्स हैं, फिर पॉजिटिव पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एटीट्यूड क्या है, क्या मीनिंग है, कैसे आप अपना एटीट्यूड मेंटेन करके अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं किसी पे, फिर आपका गेस्चर, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं उसको टाइम पे करना बहुत जरूरी है। फिर हम इस पे देखेंगे स्ट्रेस, अभी के डेट में तो सभी को स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, फिर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड, एटीट्यूड होता क्या है एक्चुअली में इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन अभी के डेट में बहुत जरूरी है, अगर आप अपने कोई चीज नॉलेज रखते हैं लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं अपने बातों को, तो फिर आपका नॉलेज का वैल्यू नहीं है, तो किस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, कैसे बोलेंगे उसके बारे में सीखेंगे, फिर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, इतना सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये जस्ट मैंने आपको आईओटी बुक में जो 6 चैप्टर है उसका ओवरव्यू बताया हुआ है कि क्या क्या चीजों के बारे में मैं अगले आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये आपका लेवल का मॉड्यूल 4 में है, जनरली ये सभी के लिए है, आईओटी डिवाइसेस इन फ्यूचर में सभी जगह पे यूज होने वाला है, आप लोग भी अपने घर को स्मार्ट सिस्टम से जोड़ने वाले हैं, जैसे कि स्मार्ट एलईडी, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, ये तो आ ही गया है, आप लोग कई लोग भी इसको यूज भी करते होंगे, तो इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे इसको प्रॉपर मैनेज करते हैं, इसके बारे में पूरा एक एक चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिर अगर ये आपका मेरा वीडियो समझ नहीं आया होगा तो कृपया रिपीट एक बार और देख लीजिए, और मेरा प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। थैंक यू, चलिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, चलिए बाय।